कल की अपडेट के बारे में सबने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन संदीप माहेश्वरी सर के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर का चैनल मोनेटाइज नहीं है। और कल की अपडेट में साफ साफ ये बताया गया है कि जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा उसके वीडियो पर भी एड चलेंगी। तो क्या संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो पर भी एड चलेंगी? जबकि संदीप माहेश्वरी सर ने यह बताया है कि मैं अपने वीडियो से एक रुपया भी नहीं कमाऊंगा और मेरे वीडियो पर ऐड नहीं चलेंगी, जिससे कि मेरे सारी ऑडियंस को कोई भी दिक्कत ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। पर अब YouTube के अपडेट में यह बताया जा रहा है कि अब बिना मोनेटाइज वाली चैनल, जिनकी चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुई है या क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके वीडियो पर भी एड चलाई जाएंगी। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल कि संदीप माहेश्वरी सर के चैनल का क्राइटेरिया तो कंप्लीट है पर चैनल मोनेटाइज नहीं है। दूसरा कि संदीप माहेश्वरी सर ने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं किया है, पर अपडेट ऐसा है कि जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है या मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है या क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी उनके वीडियो पर एड चलाई जाएंगी। अब ये तो तब ही पता चलेगा जब ये अपडेट पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा। अभी फिलहाल इंडिया में नहीं आया है, यूएसए में आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब इंडिया में आएगा तो संदीप माहेश्वरी के चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनके वीडियो पर ऐड चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसका क्वेश्चन मार्क बना रहेगा जब तक ये अपडेट रोल आउट नहीं हो जाता है। बस आपकी क्या राय है, आप क्या क्या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात रही हम जैसे यूट्यूबर यानी क्रिएटर के बारे में जिसका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है यानी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों इसमें मैं आपको एक पॉजिटिव वे बताना चाहता हूं। सुनो, मैं आपको बताता हूं कि जब कोई भी न्यू चैनल का आज क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर का, और कल अगर उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके वीडियो पर इतनी ज्यादा एड नहीं चलती। इसीलिए कहा जाता है कि नए चैनल पर अर्निंग कम होती है और ओल्ड चैनल पर अर्निंग ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओल्ड चैनल पर एडवर्टाइजर फिक्स हो जाते हैं, उनके वीडियो पर कौन सी एड चलनी चाहिए, सस्ती चलनी चाहिए, महंगी चलनी चाहिए, आपके कीवर्ड पर डिपेंड करता है। और जब न्यू चैनल रहती है तो एड ज्यादा नहीं आती। और ये अपडेट को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा गुड न्यूज क्या है, मान लो कि आपने आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया और आज से आपके वीडियो पर एड आना शुरू हो गया, आपका क्राइटेरिया एक साल के बाद या डेढ़ साल के बाद कंप्लीट होगा और जब तक आपके वीडियो पर एड चलेगी तब तक आपका चैनल हो जाएगा ओल्ड और आपके वीडियो पर भी एड चल चल कर आपके चैनल पर एडवर्टाइजर फिक्स हो जाएंगे। और जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके वीडियो पर जो एड चलेंगी और आपको उससे ज्यादा अर्निंग हो सकती है एक नए चैनल के मुताबिक। मैं ये अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ नया सोचा है कि जब नया चैनल होता है तो अर्निंग कम मिलती है, पर जब जूना चैनल हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसके वीडियो पर ज्यादा एड आने लगती है, एक साथ तीन तीन एड आ जाती है, महंगी एड, सस्ती एड, जो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो काम करता है एक जूने चैनल पर लेकिन नए चैनल पर इतना काम नहीं करता। तो यहीं से मैंने ये सोचा है कि अगर आपके वीडियो पर पहले से ही अगर एड आने लगेगी तो अच्छी बात है, वैसे भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो आपको वैसे भी पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर एड आती है तो आपका ही फायदा है क्योंकि आपके वीडियो पर एडवर्टाइजर फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि अब यूट्यूब भी नहीं चाहता कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर कोई हमारे प्लेटफॉर्म का फायदा उठाए या गलत फायदा उठाए, और जो भी गलत फायदा उठाएगा, गलत तरीके से इनकम करेगा, उनकी सारी इनकम हम ले लेंगे और जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो उसको उसकी मेहनत का 45% मिल जाएगा। यही एक अपडेट था। अब आपका क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको एक नई सोच के साथ एक नए तरीके से एक नया तरीका बताया कि आप नेगेटिव ना हो जाओ, बस अच्छा ही होता है, कोई भी यूट्यूब का अपडेट आता है हमारे लिए अच्छा ही होता है। आज अगर बुरा लग रहा है, आज अगर गंदा लग रहा है, तो आगे जाके वो अच्छा जरूर हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि ये अपडेट कहीं ना कहीं क्रिएटर को यूट्यूब की अर्निंग में बहुत फायदा करवाने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना।